अभी पानी भी पला लिए हैं, अभी लगाए थे नवल गोल उसमें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 8 और अभी मैं आ चुका हूँ भाई पानी पलाने के लिए। कल नवल गोल लगाए थे उसमें। ये देखिए दोस्तों, ये एक डुहरू तो पल भी गया, ये सेकेंड वाले डुहरू में जा रहा है। ये देखो, कल एकदम मुरझा गया था पौधा, वो आज थोड़ा ठीक दिख रहा है भाई। अब ना धूप करने लग गया है तगड़ा से, तो पौधा मुरझा जाता है यार, इसीलिए आज पानी पला देते हैं। तो चलो भाई, अभी एक ही हिस्सा तो है, कितना समय लगेगा देखते हैं। ये देखो, यही हिस्सा बस तो है यार पानी पलाने के लिए, और ऊपर में दो डुहरू है, इसको पला चुके हैं, अब इसमें लगाए ही नहीं है, हो सकेगा शाम को लगाएंगे इसमें। चलो अभी देखते हैं एक हिस्सा को पलाने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों अभी पानी पला चुके हैं। ये देखो भाई, ये लास्ट में जा रहा है, थोड़ा सा बचा है, वो नाली में पानी आ रहा है, उससे पल्लू हो जाएगा। और सभी तरफ को देखो पानी भरा हुआ है, अब इसमें शाम को लगाएंगे भाई। ये वाला हिस्सा भी खाली है, और ऊपर साइड का भी वो हरा भरा दिख रहा है, वो धनिया है वो देखो, उसके बगल में है ये वाला हिस्सा, वो भी खाली है, उसमें भी नवल गोल लगाएंगे। नवल गोल लगाने में ना बहुत ही ज़्यादा समय लग जा रहा है। फूल गोभी रहता तो अब तक बहुत सारा एरिया कवर कर लिए रहता, लेकिन नवल गोल तो एकदम पास पास में लग रहा है, तो थोड़ा समय लग रहा है। चलो अभी बचे हैं उसमें शाम को लगाएंगे। सो अभी बच गए हैं दोस्तों शाम के 3, और अभी हम लोग आ चुके हैं फिर से नवल गोल लगाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इधर मम्मी नर्सरी को बिछा रही है, और नाली ना सुबह का ही बना लिए थे, तो अभी सिर्फ लगाने का काम है भाई। ये देखो लास्ट डुहरू बचा है इस हिस्सा का नाली बनाने के लिए, बाकी 5-6 डुहरू है उसमें बना लिए है नाली। और इस साइड को पानी पलाए थे, वो अभी थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। चलो अभी मैं नर्सरी को बिछा रहा हूँ, मम्मी लोग लगाएंगे इसको। अभी दोस्तों दो डुहरू में नवल गोल लगा लिए हैं। ये देखिए, ये दो डुहरू में लगाए हैं, अभी ये तीसरे डुहरू में आ चुके हैं, तीसरे डुहरू को भी लगा रहे हैं, और उस साइड अभी खाली ही है पूरा। अब नर्सरी ख़त्म हो चुका है, ये देखिए तसला खाली है। चलो नर्सरी लेकर आते हैं। अभी दोस्तों नर्सरी वाले बाड़ी में आ चुके हैं, और ये देखिए भाई उधर पापा नर्सरी की निदाई कर रहे हैं, इतना सारा नर्सरी निदाई कर लिए। और नर्सरी की बात करें ना, तो ये देखो भाई अभी बहुत सारा नर्सरी बचा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पूरा लगा हुआ है अभी नर्सरी, बहुत सारा बचा है यार, जगह खाली नहीं है अभी अपने पास। और इसके आगे में प्याज का भी नर्सरी दिए हैं, ये देख सकते हैं, ये प्याज का नर्सरी है, कुछ इस प्रकार से है प्याज का नर्सरी, ये भी थोड़ा बहुत में हो जाएगा। चलो अभी जितना नर्सरी निदाई किए उसको ले जाएंगे। चलिए दोस्तों फिर से इसको तसला में डाल के ले चलते हैं बाड़ी के पास। अभी दोस्तों नर्सरी को ले आए हैं बाड़ी के पास। ये देखो भाई, इधर रखा हुआ है घमेला में, सॉरी यार तसला में, और इस साइड बिछा रहे हैं देखो। चलो बिछा देते हैं नर्सरी को, देखते हैं अभी कितना सारा लगेगा। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ ट्यूबवेल को चालू करने के लिए। देखो भाई, ट्यूबवेल को चालू भी कर दिए हैं। चलो अभी चलते हैं वापस से बाड़ी के पास, जहाँ पे नवल गोल को लगा रहे थे उसी को पानी पलाएंगे भाई, इसीलिए ट्यूबवेल को चालू किया हूँ। इतना सारा लगाए हैं उसको, जाके दिखाता हूँ बाड़ी के पास। अभी दोस्तों बाड़ी पहुँच चुका हूँ, और पानी भी पहुँच चुका है यार बाड़ी में, ये देख सकते हैं नाली के माध्यम से इधर आ रहा है। और ये देखो भाई पला रहे हैं पानी,
और अभी कितना डुहरू लगाए हैं उसको भी बता देता हूँ दोस्तों, 4 डुहरू लगाए हैं। ये पानी जा रहा है वहाँ से लेकर वहाँ तक 4 डुहरू है, और उधर 3 डुहरू बच गया लास्ट में, और इस साइड भी खाली है 3 डुहरू, और 1 डुहरू यहाँ पे है। अभी 2 दिन और लग जाएगा लग रहा है इसको लगाने में, बहुत समस्या है यार। चलो देखते हैं, अभी फ़िलहाल पानी पला लेता हूँ। तो दोस्तों अभी पानी भी पला लिए हैं, अभी लगाए थे नवल गोल उसमें, ये देखिए 4 डुहरू अभी लगा है। अब ये 2 डुहरू बचा है और एक साइड में उधर और है, और इधर ये 3 डुहरू बचा हुआ है, और ये धनिया लगा है उसके बाद उसके बगल में 1 डुहरू और खाली है, वो ऊपर वाला 4 डुहरू खाली है। नर्सरी भी बहुत सारा है लेकिन लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है यार। गोभी रहता तो एक ही दिन में सभी तरफ लग जा रहता, और नवल गोल तो 2-3 दिन हो गया भाई लगाते लगाते हालत ख़राब हो गया। इसके चक्कर में टमाटर का भी ठीक से कमाई नहीं हो पा रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर वाले बाड़ी में टमाटर लगा है। अभी शाम हो गया है तो वीडियो का क्वालिटी उतना नहीं अच्छा नहीं आ रहा है। इसमें भी अभी खाद वगैरह डालेंगे, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर, और खुदाई करेंगे फिर इसकी। चलिए दोस्तों घर चलते हैं यार, बचा है उसमें कल लगाएंगे, देखते हैं कितना दिन में कंप्लीट हो पाएगा भाई। तो ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा आज के व्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग देखने को मिलने का इस अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।